वेलकम बैक टू माय चैनल तो मैं आज आपको 5 नवंबर के द हिंदू के एनालिसिस में आपको क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ चलिए देखते हैं पहला हमारे फर्स्ट पेज पे है ऑल इम्प्लॉयज़ कैन ऑप्ट फॉर ईपीएफओ पेंशन स्कीम सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जितने भी एम्प्लॉज़ हैं ठीक है ऑल इम्प्लॉयज़ कैन ऑप्ट फॉर वो जा सकते हैं ई पेंशन स्कीम के लिए उनका ये कहना है इसमें देखो बात हो रही है Uh, ये बीच में जो दिया है हाईलाइट करके बिफोर एंड आफ्टर पहले क्या था कि पेंशन कवरेज एक्सटेंड किया गया ठीक है पेंशन कवरेज जो एक्सटेंड हुआ 2014 में एम्प्लॉज़ ड्राइंग सैलरी मोर देन 15,000 पर मंथ सब्जेक्ट टू ठीक है किस किस चीज़ के लिए सब्जेक्ट थे वो मेंबर कंट्रीब्यूटिंग एट रेट ऑफ 1.16 ऑन सैलरी तो उनकी सैलरी का 1.16 परसेंट ठीक है सैलरी एक्स की डीम फिफ्टीन थाउजेंड पर मंथ जिनका है उनके लिए ये था और इम्प्लॉज शुड हैव एक्सरसाइज ऑप्शन विद सिक्स मंथ फ्रॉम सेप्टेंबर वन ट्वेंटी फोर्टीन ठीक है तो सप्टेम्बर सब, फोरटीन से आ, जो फर्स्ट सेप्टेंबर फोरटीन से ये था कि सिक्स मंथ की उनको ऑप्शन दी जा रहा है ठीक है अब आफ्टर की बात है रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन वन पॉइंट वन सिक्स जो परसेंट है डीम्ड इनकरेक्ट तो बता रहे हैं ये डीम्ड इनकरेक्ट है इम्प्लीमेंटेशन इजेड फॉर सिक्स मंथ और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सिक्स मंथ तक रहेगी इन टाइटलमेंट नॉट लिमिटेड टू एम्प्लॉयज एक्सरसाइज एन ऑप्शन अंडर जो है अनेंडेंड ई पी एस में एम्प्लॉयमेंट ठीक है प्रोविजनल जो भी स्कीम है उसके लिए बोल रहे हैं इफ एन एम्प्लॉय इफ एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ज्वाइंटली ऑप्ट फॉर इन्हांस पेंशन कवरेज इफ़ दे हैड नॉट डन सो प्रायर टू द 2014 फोर्टीन अमेडमेंट दे कैन डू सो बाई फोर मंथस फ्रॉम टूडे उसके लिए है अब देखो इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को क्या बोला कि इम्प्लाइज पेंशन अमेडमेंट स्कीम 2014 जो है ठीक है एक ऑर्गेनाइजेशन एज लीगल एंड वैलिड वाइल रीडिंग डाउन सर्टन प्रोविजन लीगल और वैलिड बताया है ठीक है और कोर्ट uh, struck down on requirement in 2014 amendment that employees go beyond salary threshold of 15000 should be contributed monthly to pension scheme at rate 1.16 of their salary jo tha us pe unhone Uh, इस पे भी बात करी और ये भी है कि जो रिक्वायरमेंट है कंट्रीब्यूट करने का सैलरी का जितना पार्ट ये बता रहे हैं एस एस सैलरी सिर्फ फिफ्टी थाउजेंड पर मंथ एज एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड अंडर अमेडमेंट स्कीम इसको अमेडमेंट स्कीम के अंदर डाला गया है ठीक है और प्रोविज़न जो है एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड का वो मिसलिनियस प्रोविज़न एक्ट के तहत आता है जो कि नाइनटीन फिफ्टी टू में आया था ठीक है और जस्टिस बेंच लेड की जा रही है यानी कि लीड की जा रही है यू यू ललित जो है वो आ, बेंच को लीड करेंगे और अभी इस पर कुछ भी ऐसा आया नहीं है जजमेंट या कुछ भी अभी बस हो रही है तो बस इसको जस्ट फॉर द न्यूज़ हमने देखा है इसमें कुछ ऐसा अभी है नहीं कि जो आपको ज़्यादा जो ध्यान में रखने की बात है बस हाँ इतना जानना है कि ई से रिलेटेड न्यूज़ में आया था आगे देखेंगे एक ये न्यूज़ आई है मथुरा वृंदावन वन मिनट मथुरा वृंदावन एम्स टू बिकम कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2041 मथुरा वृंदावन uh, ये बता रहे हैं कि ये एम रखा गया है कि कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए दो तक ठीक है और ये वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट प्रग्रीमीज़ ठीक है सेंटर है मतलब यहाँ बहुत सारे uh, जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं मथुरा वृंदावन में और नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन रखा किया जाएगा दो तक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बताया है हिंदू को ठीक है तो उत्तर प्रदेश के जो यूपी गवर्नमेंट है उन्होंने बताया है कि मथुरा वृंदावन जो वन ऑफ द लार्जेस्ट पिलग्रिमेज सेंटर है उसको नेट ज़ीरो कार्बन इमेशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा ठीक है इसका मतलब ये है कि टूरिस्ट व्हीकल जो है वो बैन हो जाएंगे इंटायर ब्रिज रीजन में जो टूरिस्ट व्हीकल्स जो लेके जाते हैं वहाँ तक उनको बैन कर दिया जाएगा ब्रिज रीजन में ठीक है और ये इंक्लूड होगा फेमस प्लिग्रमी सेंटर सच एज वृंदावन एंड कृष्णा जन्मभूमि जहाँ है वहाँ पे इन स्टीट ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ़ और सिर्फ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वही अलाउ होंगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ठीक है इस एरिया में

फूड फॉल है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है मल्टीप्लाई होगा फ्रॉम करंट लेवल जो टू पॉइंट थ्री करोड़ सिक्स करोड़ बाई ट्वेंटी फोर्टी वन तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है टू पॉइंट थ्री से सिक्स करोड़ तक देखो आ, ये चीज़ वो इस्टिमेट उन्होंने रखा है ठीक है और इसमें ये भी तो इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं और हमारा मेन ये जानना है कि मथुरा वृंदावन को कार्बन न्यूट्रल बनाने की बात की जा रही है ट्वेंटी फोर्टी वन तक तो ये याद रखना है फिर हम आगे आ जाएंगे हम ये एडिटोरियल वाले पेज पे आ गए हैं हमको इसमें पढ़ना है ठीक है हम देखते हैं इसमें रिमोट व्हीकल से रिलेटेड है ठीक है ये पढ़ लेना है रिमोट व्हीकल से रिलेटेड और इसके बाद पढ़ना है इसके बाद हमें ये पढ़ना है चाइना होम ग्रोन वीडियो सैटेलाइट सिस्टम आई ग्लोबल फूट प्रिंट ठीक है तो ये पढ़ना है इसमें क्या पढ़ना है चाइना ने फ्राइडे को ठीक है आउटलाइन किया है प्लान एक्सपेंड करने के लिए ग्लोबल रीच होम टाउन जो उसका वीडियो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है उसका ठीक है अल्टरनेटिव टू तो यू एस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो यू एस का जी पी एस है उसका अल्टरनेटिव चाइना ने बनाया है वाइट पेपर रिलीज बाय चाइनीज गवर्नमेंट तो वाइट वाइट पेपर रिलीज़ किया गया चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा बीजिंग इज स्ट्रेंथनिंग और बीजिंग बीजिंग क्या कर रही है स्ट्रेंथन कर रही है ठीक है रीजनल कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसमें एशियान है अफ्रीकन यूनियन है लीग ऑफ अरब स्टेट है और कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिका और करेबियन स्टेट है ठीक है इसमें बीजिंग सिंस uh, 2020 आल्सो मेड एंड आउटरीच टू साउथ एशिया ठीक है साउथ एशिया में भी आउटरीच अपनी बढ़ा रही है ऑलरेडी वर्किंग ऑन डिस्कशन विथ मतलब वो डिस्कशन कर रही है बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ ठीक है जिसमें इंक्लूड है पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका जिन्होंने अडॉप्ट uh, uh, करने के लिए विड्यू सेटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बी डी एस और उसका बी आर आई कंट्रीज़ भी हैं बेल्ट एंड रोड इनिशियटिव कंट्रीज़ उसके प्रेरिटीज़ पर हैं ठीक है तो ये चीज़ है इसमें और क्या चीज़ें हमें पढ़नी हैं जो ध्यान देने की बातें हैं सऊदी अरेबिया इज़ यूजिंग अब देखो सऊदी क्या कर रही है ये यूज़ कर रही है वीडियो सैटेलाइट को सर्वेइंग और मैपिंग और पोजीशनिंग पीपल और व्हीकल्स पोजीशनिंग के लिए ठीक है कर रही है डिज़र्ट एरिया और यहाँ सब पे तजाकिस्तान क्या कर रही है वो यूज़ कर रही है बी को मॉनिटर करने के लिए डैम और लेक्स को ठीक है और जो लाबनन है वो यूज़ कर रहा है बी को वो यूज़ कर रहा है बेरिट पोर्ट और मरीन सर्वे और कंस्ट्रक्शन के लिए और बुरकेना फसो ठीक है बुरकेना फसो जो है वो यूज़ कर रहे हैं सर्वे एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स के लिए पाकिस्तान और रशिया दो सिग्निफिकेंट हब हैं ठीक है मिस्टर रंजन मिस्टर रन जो है उन्होंने बोला चाइना और रशिया हैव साइंड ए स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क ऑन देयर टू नेविगेशन सिस्टम टेकिंग फॉरवर्ड ट्वेंटी फिफ्टीन डील और इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन विडो एंड गस तो ये है अब इसमें देखो और क्या चीज़ें हम हमें देखनी है यहाँ पे एक चीज़ और है देखो वीडियो है सेटअप फर्स्ट थ्री कॉन्टीन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन जिसको कोर्स कहते हैं वो सेटअप किया है ठीक है फर्स्ट थ्री इसमें क्या है कॉन्टीन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन है थाईलैंड में 2013 में सर्व करने के लिए एशियान को चाइना और श्रीलंका ने अग्री किया है प्लान सेटअप करने के लिए टेन कोर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ठीक है चाइनीज ऑफिशियल मीडिया से और 2020 ट्वेंटी बिजिंग रीज आउट बांग्लादेश एंड नेपाल फिर बीजिंग कहाँ पे रीच करा बांग्लादेश एंड नेपाल थ्री इयर्स बांग्लादेश पोर्ड और ये सारी चीज़ें चाइना की स्ट्रैटी को दिखा रही हैं ठीक है कि वो किस तरीके से अपने इन्फ्लुएंस को और बढ़ा रहा है टेक्नोलॉजी के भी फील्ड में स्पेस सेंटर के भी फील्ड में ठीक है तो ये चीज़ हमें इस आर्टिकल से पता चल रहा है और ये साइंस एंड टेक के आर्टिकल से भी हैं और हाँ हम आईआर में भी इसको लिख सकते हैं कि किस तरीके से उसका इन्फ्लुएंस जो है स्पेस सेंटर्स में भी बढ़ रहा है और वो टेक्नोलॉजी में भी अपनी चीज़ें जो पकड़ है वो मजबूत कर रही है उसके बाद हमारा नेक्स्ट है जी एस कोलेशन सेट अग्री ऑन सेटिंग फिक्स ऑयल फॉर रशियन ऑयल ठीक है फिक सॉरी फिक्स प्राइस फॉर रशियन ऑयल अब देखो ग्रुप ऑफ सेवन की बात यहाँ की जा रही है जी सेवन की जो हम शॉर्ट नोट में भी डिस्कस करेंगे पहले भी एक बार हमने डिस्कस किया था पर तो फिर से आया है तो चलो ठीक है फिर से डिस्कस करेंगे जी सेवन यानी कि ग्रुप ऑफ सी आ, सेवन रिच नेशन एंड ऑस्ट्रेलियन हैव हाँ अग्रीड अग्रीड किया है सेट अप फिक्सड प्राइज वन दे फाइनलाइज अ प्राइस कैप ऑन रशियन ऑयल लेटर बाई मंथ तो एक फिक्सड कैप करने की बात यहाँ पे हो रही है यूएस ऑफिशियल और जी सेवन नेशन ने क्या किया है इंटेंस नेगोशिएशन किया है रिसेंट वीक ठीक है एक in, एक इंटेंस नेगोशिएशन हुई है ठीक है इसमें देखो कोलेशन हैज अग्री कोलेशन ने क्या किया है अग्री करा है प्राइज कैप के लिए की प्राइस कैब विल बी फिक्स्ड प्राइस फिक्स प्राइस दैट विल रिव्यू रेगुलरली रादर देन डिस्काउंट टू एन इंडेक्स तो मतलब ये चीज़ अग्री करी है उन्होंने तो हमको इसमें जी सेवन से रिलेटेड बात करनी है वो हम वहाँ पे करेंगे ठीक है तो ये था हमारा आज का द हिंदू का एनालिसिस पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग